हेलो एवरीवन आई एम ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी आई पीसेस प्लेटफॉर्म हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम लूसट को क्वेश्चंस के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज में ये हमारी ग्यारहवीं या बारहवीं वीडियो है उम्मीद करता हूं कि जितने भी पहले वीडियोस आए उनको देखे होंगे नहीं देखें तो जरूर से देखेगा क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं मैं जो पहले वीडियो आए हैं इस सीरीज का एजेंडा यही कि हम लूसेंट को क्वेश्चंस के फॉर्म में समझ रहे हैं पर साथ ही साथ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को समझ रहे हैं ताकि अगर पॉलिटी की बात करें तो आपका प्री और मेन्स दोनों के लिए एक साथ ही इस सीरीज के थ्रू प्रिपेयर हो जाए क्योंकि अगर प्री की बात करें एंड वेन इट कम्स टू स्टेट पीएससीज तो वो थोड़े से फैक्ट्स की तरफ रिलेटेड रहते हैं बट जब एक बार आप मेन्स लिखने बैठोगे चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो स्टेट पीएससी हो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक होती है और मेंस में आप अच्छे आंसर्स तभी लिख पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वेश्चंस के साथ साथ हम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करें ताकि आपकी फैक्ट्स की नॉलेज और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो भी आपकी डेवलप होती चली जाए और जब ये सीरीज एंड हो तो आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों वेन इट कम्स टू पॉलिटी वो आपके क्लियर हो सके तो यह सीरीज का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन क्या, क्या कह रहा है

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर ये जब ये कंडीशन तब थी जब ये एक्ट फॉर्म हुआ था दैट इज इन 1993 1993 में आपका जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उस वक्त ये जब एक्ट आया था उसमें ये कंडीशन थी कि चेयर पर्सन कौन हो सकते हैं एनएचआरसी के चेयर पर्सन वो हो सकते हैं जो आपके रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो बट 2019 में एक स्लाइट अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में इस अमेंडमेंट को ध्यान रखिएगा कि टू में वी हैव हाँ एन अमेंडमेंट इन एन एक्ट और उस अमेंडमेंट में आया कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो चेयरपर्सन हो सकते हैं साथ ही साथ जो रिटायर्ड जज हैं जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी एलिजिबल हैं आपके चेयरपर्सन के लिए आपका एनएचआरसी की अगर बात करते हैं तो पहले अगर हम बात करें वो था आपका ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर 2019 में अमेंडमेंट अमेंडमेंट हुआ और उस में एक कंडीशन और ऐड कर दी गई कि चीफ चीफ रिटायर्ड जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट से तो वो भी एलिजिबल है चेयरपर्सन बनने के लिए कौन सा एक्ट आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्योंकि देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना ये स्टेट पी के कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करें तो इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वजह से क्वेश्चन मैंने इंडक्ट किया हुआ है तो यह ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड साथ ही साथ नेक्स्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है कि ओनली रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो दोनों आंसर क्लियर होंगे सिर्फ एक नहीं यह पहले था जब स्टार्ट जब एक्ट बना था रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी अचरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बट इन टू थाउजेंड नाइनटीन और अमेंडमेंट में एक्ट एड किया गया कि कोई भी रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट से है, वो भी एलिजिबल है आपका एन एच आर सी के चेयरपर्सन बनने के लिए क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट टू थाउजेंड टेन वॉज इनेक्टेड इन कॉन्डिस विद विच ऑफ दोविजन ऑफ दिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन कौन से वो रिसोर्सेस थे रिकोगनीशन थे जिसकी वजह से आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है जो कि आपका 2010 में एक्ट हुआ था वो किसके तहत हुआ था पहला ऑप्शन है कि राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 तो ये ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ आपकी कैसी होगी जब आपका एक हेल्दी इन्वायरमेंट होगा ना आप एक अच्छी लाइफ एक डिसेंट लाइफ कब कब स्पेंड कर सकते हो आप एक अच्छी डिसेंट लाइफ कब स्पेंड कर सकते हो जब आपके पास का जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी हो वो क्लीन हो तभी तो एक डिसेंट लाइफ एक क्लीन एक हेल्दी लाइफ आप जी सकते हो ना सपोज करिए आप अपने घर में बहुत हाइजीन से रह रहे हो पर जो आपके आसपास का एनवायरमेंट है वो दूषित है वो उतना हेल्दी नहीं है वो क्लीन नहीं है तो उसका असर आपकी लाइफ पे, आपकी हेल्थ पड़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो राइट टू लाइफ जो आपकी एक जो आपकी एक फंडामेंटल राइट right है उसको कहीं ना कहीं वॉलेट किया जा रहा है तो उस बेसिस पे आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है वो आपका इनैक्ट किया गया था कौन सा था वो राइट टू हेल्दी कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ यानी कि हेल्दी इनवायरमेंट का जो हक है हेल्दी का जो हक है ये आपका फंडामेंटल राइट right है और ये किसके अंदर आता? ये आता है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दैट इज एक्सप्लेन इन आर्टिकल ट्वेंटी वन तो इस बेसिस पे आपका जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट है वो आपका इनैक्ट हुआ था ंड ऑप्शन देखते हैं प्रोविजन ऑफ ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शड्यूल एरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइब्स अंडर आर्टिकल टू सेवेंटी अगर आपको स्टेटमेंट नहीं भी पता है सपोज करिए आपको ये पहला स्टेटमेंट नहीं पता है पर आप इतना लॉजिक से लगा सकते हो इतना आप दिमाग का इस्तेमाल करके लगा सकते हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपने कभी नहीं सुना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मैं करके चल रहा हूं कि आपने एनजीटी के बारे में कभी नहीं सुना पर आप इतना ये इतना समझ सकते हो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ग्रीन आ रहा है ना तो ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से रिलेटेड वो चीज़ होगी तो पहला अगर ऑप्शन देखेंगे तो वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है पर सेकेंड ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो उसमें शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन और एनवायरमेंट ये शायद दोनों एक साथ नहीं जा रहे हैं इस स्टेटमेंट को और समझे तो आप इजिली इसको कैंसिल कर सकते हो सपोज करिए आपको एनजीटी भी नहीं पता आपको फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं पता ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ मैं फिर थर्ड ऑप्शन क्या है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा एज मैं आर्टिकल टू फोर्टी थ्री ए तो आप समझ सकते हैं कि हाँ ग्राम सभा का भी एस अभी रोल नहीं एनजीटी के के, के हिसाब से तो इस वजह से आप थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल कर सकते हो जब सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन क्लियर हो गया है कि ऑप्शन नहीं सही है तो किसमें थर्ड ऑप्शन है सेकंड थर्ड इसमें भी है सेकंड थर्ड इसमें और वन टू थ्री तीनों है तो ऑब्वियसली बात है एक ऑप्शन बचा दैट इज योर स्टेटमेंट नंबर वन तो इस तरीके से इस तरीके से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं ये क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया कि ऑब्वियसली बात है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में आया था वो किसके तहत आया था वो आया था आपका राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कि एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो और वो आपका एक मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है और वो कौन से राइट कहता है आपका राइट टू लाइफ जो कि आपका आर्टिकल ट्वेंटी में है तो इससे आपको 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 समझ समझ में आ 2010, समझ में आ गया कि का फॉर्म हुआ था इस इन 2010 बट अगर ये नहीं आया स्टेटमेंट उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इसलिए जब आप प्री का पेपर सॉल्व करें बीट यूपीएससी और एनी स्टेट, अदर, और, और एनी स्टेट आप पहले उन क्वेश्चंस को क्लियर को डेड श्योर है आपको पता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूरी तरीके से मैं सही मार्क कर रहा हूं उसके बाद जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे पेपर की फिर आप ये स्मार्ट गेसेस या एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आप कई सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हो क्योंकि अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ से कुछ क्वेश्चन कम रह जाते हैं तो कट ऑफ को कट ऑफ पहुंचने के लिए और कट ऑफ को पार करने के लिए आपको स्मार्ट गेसेज और साथ ही साथ एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा इस वजह से जितना आपके कंसेप्ट जितना आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे आप उतना ही ईजिली जो एलिमिनेशन टेक्निक है आप उसको लगाते चले जाएंगे और उसका कंडीशन ये है कि आपको एग्जाम हॉल में एग्जामिनेशन में जब आपके पास पेपर आएगा आपको पूरी तरीके से कूल एंड कंपोज होना है जब आप जब तक आप प्रेशर में रहोगे जब आप प्रेशर में एग्जाम देने जाओगे तो आप ये सिली मिस्टेक्स करके आ जाओगे स्मार्ट गेसेस तो बात की बात है आप आते हुए क्वेश्चन भी मिस कर जाओगे तो इस वजह से जितना कूल cool, जितना कंपोज होकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे उतना आप अपने दिमाग को अप्लाई कर सकते हो और जितना आप दिमाग को अप्लाई करोगे उतने ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही है जितना आपने अपने दिमाग का एप्लीकेशन इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उतने आपके चांसेस रहेंगे कि आप एग्जाम को या उस पर्टिकुलर पेपर को क्लियर कर सकते हैं तो इस चीज को मेरी हमेशा ध्यान में रखिएगा मैं मैं ये बात हर

जिसमें आपके इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं या इवायरमेंटल क्लियर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता और उसके चलते उसके चलते केसेज जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं पहले से ही जुडिशरी के पास इतना ज्यादा बर्डन है इस वजह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया ताकि ऑब्जेक्टिव यह है कि जितने भी ये इन्वायरमेंट रिलेटेड पेंडिंग केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से हटा के आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दे दिया जाए ताकि जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड केसेस है वो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास आए और जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल्स आए स्पीडी ट्रायल्स आए और जो भी जो भी जजमेंट है वो विद इन सिक्स मंथ वो विद इन सिक्स मंथ के अंदर आपका सॉल्व होना चाहिए सिक्स मंथ्स के अंदर ये आप जो मैं बोल रहा हूं सिक्स मंथ या आपका वन एटी डेज इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार ये स्टेट पी में पूछ लिया जाता है कि एनजीटी में मैक्सिमम कितनी जल्दी जो आपके केसेस हैं उनको सॉल्व करना चाहिए तो उसका आंसर है आपका हंड्रेड एंड एटी डेज और आपका सिक्स मंथ और इसके जो चेयरपर्सन वो कौन एलिजिबल है वो आपके जो आपके रिटायर्ड जज हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो आपके सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं वो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन बनने के लिए हमेशा चेयरपर्सन टर्म बोला करिए चेयरपर्सन क्या होता है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है चेयरमैन क्या है चेयरमैन एक जेंडर स्पेसिफिक टर्म है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयर है जो हेड है वो सिर्फ पुरुष बन सकता है ऐसा नहीं है इसलिए चेयरपर्सन ये टर्म यूज क्या करिए जेंडर जो जेंडर न्यूट्रल टर्म्स हैं ज्यादा कोशिश किया करिए वो बोला करिए क्योंकि जब आप इंटरव्यूज में बैठेंगे जब आप और मेंस uh, क्वालिफाई करके जब इंटरव्यूज में बैठेंगे तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं बहुत बेसिक एटिकेट्स हैं जो आपको आते रहना चाहिए चेयरपर्सन अगर उस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसमें कोई कंडीशन नहीं है तो आप चेयरपर्सन ही बोलेंगे चेयरपर्सन मींस आप जेंडर न्यूट्रल टर्म कर रहे हैं अगर आप चेयरपर्सन बोल देंगे तो इसका मतलब सीधा जाएगा कि, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हम कर रहे हैं तो उसका जो हेड है वो सिर्फ पुरुष ही बन सकता है तो इसलिए चेयर पर्सन टर्म्स ये बेसिक एटिकेट्स हैं बहुत छोटी चीजें हैं जो जल्दी लोग नहीं बताते हैं पर मेरे ध्यान में आते मैं आपको बता दिया जैसे जैसे ऐसी ऐसी चीज़ें जब मेरे दिमाग में आती है तो मैं आपको बताता चलता जाता हूं क्योंकि इस सीरीज मैं चाह रहा हूं कि आपका परसेप्शन आपकी पर्सनैलिटी हर एक चीज डेवलप हो जाए ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्लियर हो गया हाँ एनजीटी के बारे में अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं आपको मैं टास्क दे रहा हूँ देखिए आप लोग कुछ वीडियो से आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर रहे हो जो मैं टास्क देता हूँ आप लोग कंप्लीट कर नहीं रहे हो तो टास्क मैं देता हूँ इसलिए देता हूँ ताकि आपकी एंगेजमेंट मुझे पता चल सके जितना ज्यादा आप कमेंट्स करोगे उतना ज्यादा मुझे पता चलेगा कि ये जो मैं सीरीज ला रहा हूँ कितना ज्यादा आपके लिए फ्रक्टिफाई हो रही है और आ, और बाकी आपको क्या सीरीज मैं बार बार कहता हूँ कि आप कमेंट्स करके कमेंट जरूर करें कमेंट मैं मॉनिटर करता हूं और कमेंट कमेंट एक ऐसा चीज है जहां पे हम एंगेज कर सकते हैं तो इस इस वजह से मैं आपको आपको टास्क दे रहा हूं कि आपको बताना है कि बताना वक्त प्रेजेंट प्रेजेंट डे में एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है एनजीटी के चेयरपर्सन कौन है और एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां पर है ठीक है मुख्यालय हेडक्वार्टर एनजीटी का कहां पर है ये दोनों आपको चीजें कमेंट में पिन डाउन करनी है ध्यान से करेगा जो मैं टास्क देता हूँ उसको जरूर से क्या करिए क्योंकि इससे क्या होता है एक तो आप सर्च करोगे फिर जब आप खुद से सर्च करोगे टॉपिक बारे में तो कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है इस वजह से जो मैं टास्क देता हूं उसे जरूर से कोशिश किया करिए कि आप उसे कमेंट में पिन डाउन करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेपरेशन ऑफ द judiciary from द executive has been प्रोवाइडेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग parts ऑफ द इंडियन Constitution. इस तरह के क्वेश्चन को मैं कई बार बोल चुका हूँ ये कई बार पूछा गया एंड इवन ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था शायद 2020 और 21 में पूछा गया था एम नॉट एक्जैक्टली रिमेंबरिंग द ईयर बट ट्वेंटी 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 में पूछा गया था बहुत बेसिक से सवाल है पर अगर आपको डीपीएसपीज फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आपको नहीं पता है तो ये आसान सा क्वेश्चन भी आप मिस कर जाओगे तो सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज बीन प्रोवाइडेड इन ऑफ इन वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब देखिए जो एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में मैंने आपको बताया ना वो तब आप लगा सकते हैं ना जब आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी पता हो सपोज करिए आपको ये चीज नहीं पता आपको डीपीएसपी के बारे में नहीं पता आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में नहीं पता है अब आप लॉजिक ये लगाएंगे कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को किया जा रहा है। मतलब एक तरह का ये फंडामेंटल राइट्स हो सकता है पर इसका जो आंसर डीपीएसपी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो इस वजह से मैं कहता हूं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को एटलीस्ट एग्जाम से कुछ टाइम पहले दो से तीन बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में तो बहुत ज्यादा नहीं पूछते हैं पर स्टेट पी में कई बार पूछा जाता है इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा और आपको बोल देगा कि ये चार ऑप्शन है इन चार में से किस में ये चीज कही गई है क्या वो प्रियांबल में कही गई है क्या वो फंडामेंटल राइट में कही गई है क्या वो डीपीएसपी में कही गई है या वो क्या आपका सेवंथ शेड्यूल में है तो अगर सेपरेशन की बात आ रही है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव से तो वो ऑब्वियस सी बात है वो किसके अंडर है वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर है इसको ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज And DPSPZ, आपको कम से कम से पहले, कुछ दिन पहले दो से तीन बार रीड कर लीजिएगाट एज ऑफ चिल्ड्रेन देर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्स बात है क्योंकि अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें मैं बता चुका हूं अगर जो राइट टू एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन है जो राइट टू एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट right है पर ये फंडामेंटल राइट शुरू से नहीं है पहले ये डीपीएसपी का पार्ट था पहले ये डीपीएसपी का पार्ट था डेट्स डीपीएसपी को विश लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी कहा गया है क्योंकि मैं ये बता चुका हूं कि डीपीएसपी में वो वो इंप्लीमेंट वो वो चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं जो उस वक्त यानी कि जब उनचास पचास में हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त भारत के पास वो कैपेसिटी नहीं थी कि उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सके ऑन इमीडिएट बेसिस उस से, उस वजह वजह से से बहुत सारी चीजों को डीपीएसपी में रखा गया था और ये ये विजन था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जैसे जैसे इंडिया ग्रो करता चला जाएगा वैसे वैसे चीजें जो है डीपीएसपी से निकल के वो फंडामेंटल राइट्स की तरफ चली जाती जाएंगी यही तरह आपका एग्जांपल है राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन स्टार्ट में आपका वाज नॉट अ फंडामेंटल राइट इट इज इनश्राइंड इन डीपीएसपी डैट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज बट एक टाइम आया जब ये स्टेट को लगा भारत आ, सरकार को लगा कि हम शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं तो छह साल से लेकर चौदह साल के सभी बच्चों को शिक्षा जो है सरकार प्रोवाइड करी जाएगी और ये आपका मौलिक अधिकार है तो पहले ये कहा था डीपीएस में में था बाद हो गया आपका फंडामेंटल राइट क्लियर हो गया नेक्स्ट okay. क्वेश्चन ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद स्टेट ये आपका पार्ट फोर है इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक है नहीं कुछ भी नहीं है विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस इंपैक्ट ऑफ गांधीज गांधी फिलोसफी अब कभी कभी ये इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी एंड डीपीएसपी कौन कौन से हैं यानी कि अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करें पहले तो एक वो पूछ लेगा फिर उसमें स्पेसिफिकली पूछ लेगा कि यानि कि गांधीज यानी महात्मा गांधी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज थे वो कौन कौन से थे वो आपके कौन कौन से थे तो अगर हम बात करें इसमें अगर हम बात करें तो यह आपका प्रोहिबिशन ऑफ आप द स्लॉटर ऑफ काउस यानी कि जो आपका गांव गायों को वध करने का इसको प्रतिबंध लगाने के फेवर में थे ये आपका डीपीएसपी था गांधीयन का और दो और थे एक तो कॉटेज एक तो था आपका कॉटेज इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करना कॉटेज इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करना और साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कॉर्पोरेशन सेट करना कोऑपरेशन सेट करना आपका रूरल एरियाज यानी कि जो गांव एरियाज हैं जो विलेजेस हैं जो गांव है भारत के वहां पे कोऑपरेशन या कॉरपोरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेट करना ताकि रूर इकॉनमी ताकि रूर इकॉनमी ग्रो कर सके क्योंकि अगर हम गांधी जी की बात करें तो वो सेल्फ सफिशिएंट विलेज की बात करते थे सेल्फ सफिशिएंट विलेज क्योंकि उनका मानना था कि जित कि उनका ये मानना था कि भारत की जो जनता है वो ज्यादातर आपका गांव में बसती है तो अगर गांव यानी कि जो रूरल एरियाज है वो अगर सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे वो अगर सेल्फ सफिशियंट नहीं होंगे तो जो इंडिया है वो जो एम्बिशन है इंडिया का एक विश्व गुरु बनने का वो शायद ना हो पाएगा तो इस वजह से ये तीन इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज़ जो है वो आपके गांधीयन फिलॉसफी से मिलते हैं एक है आपका प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काउज फिर आपका कॉटेज इंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना या प्रो या प्रमोट करना एंड द थर्ड वन इज़ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कॉरपोरेशंस का सेटअप होना रूरल इकोनॉमी में या रूरल एरियाज में ताकि जो विलेज एरिया है जो कंट्री साइड है भारत का वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके वो वो डेवलप कर सके क्योंकि गांधी जी का मानना ये था उनकी सोच ये थी और जो कि सही भी है कि भारत की बहुत सारी आबादी परसेंटेज की आबादी अब तो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है पर अगर हम 50 या उनचास की बात करें तो उस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो गाँव में बसी हुई थी तो इस वजह से गाँव अगर डेवलप्ड होंगे गाँव अगर सेल्फ सफिशेंट होंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका जो इफेक्ट है वो रेप्लीकेट करेगा और जैसे जैसे गाँव डेवलप होते चले जाएंगे वैसे वैसे उसका रेप्लीकेशन होता चला जाएगा एंड ये एक पॉजिटिव साइकिल जो है फिर वो पॉजिटिव साइकिल बढ़ बढ़ के इंडिया जो है उसमें हर एक डेवलप हर एक व्यक्ति के पास डेवलपमेंट पहुंच सकेगा तो ये तीन इंपॉर्टेंट गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड तो कभी कभी स्टेट में ये आपका पूछ लेता है, और कभी -कभी बहुत घुमाना हो तो डीपीएसपी गांधी फिलोसफी से रिलेटेड चीजें पूछ लेता है। तो ये तीन चीज आपको बताइए उसको ध्यान में रखिएगा इन विच ऑफ दमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटीट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक तो पहले मैंने आपको बताया कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एक्जीक्यूटिव वो भी डीपीएसपी का पार्ट है और साथ ही साथ ये जो आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है यह भी आपका कहां मेंशन है यह भी आपका डीपीएसपी मेंशन है आसान से क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं आगे बढ़ते हैं बाई विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व डायरेक्टिव प्रिंसिफ द स्टेट पॉलिसीस ओवर दंडामेंटल राइट वेर एवर दे कम इन टू कॉन्फ्लिक्ट यानी कि इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसमें यह बोला गया कि अगर डीपीएसपी डी पी एस पी के जो भी सब्जेक्ट हैं अगर उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और उसके चलते फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अगर हनन हो रहे हैं या वॉलेट हो रहे हैं तो प्रिसिडेंस किस को दी जाएगी महत्व किसको दिया जाएगा वो डीपीएसपी को दिया जाएगा यानी कि अगर डीपीएसपी इंप्लीमेंट हो रहा है डीपीएसपी में कोई भी सब्जेक्ट है डीपीएसपी में कोई भी सब्जेक्ट है वो अगर इंप्लीमेंट हो रहा है और इस इंप्लीमेंटेशन के चलते किसी पर्टिकुलर के फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में डीपीएसपी को प्रेसिडेंस मिलेगी यानी कि डीपीएसपी का इंप्लीमेंटेशन होगा रादर देन अगर इसके चलते फंडामेंटल राइट्स भी वॉयलेट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना ज्यादा जरूरी है यह पार्लियामेंट में किस एक्ट के किस अमेंडमेंट में पास किया गया था वो अमेंडमेंट है आपका फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट

इन दोनों का बैलेंस इन दोनों का बैलेंस जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है ठीक है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये एक बैलेंस की तरह काम करते हैं ताकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो हार्मोनाइज़ होकर काम कर सके पर अगर ये बात आ रही है कि फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट हो रहे हैं डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने में तो फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी सुपरमेसी आपकी फंडामेंटल राइट पर इसका मतलब यह नहीं है कि डीपीएसपी जो है उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा पर इसको इंप्लीमेंट इसको इंप्लीमेंट करना है ये मिल्स केस के बारे में बता रहा हूं इसको इंप्लीमेंट करना है पर इसका इंप्लीमेंटेशन ऐसा होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके वॉयलेट नहीं होने चाहिए यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट्स को सुपर सुपर फंडामेंटल राइट्स की सुपरमेसी करी एज कंपेयर टू डी पी एस पीज क्योंकि जुडिशरी का काम ही यह है कि स्टेट से आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाना है तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट में यह आया कि डीपीएसपीज़ अगर इंप्लीमेंट हो रहे हैं और इसके चलते फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहे हैं तो उस बेसिस पे डीपीएसपी को इंपॉर्टेंस दी जाएगी पर ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये चैलेंज्ड हुआ इसका जजमेंट है आपका मिनरवा मिल्स केस में ये आपका 1980s में आया था 1980 के टाइम पे आया था और इसमें जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ज्यूडिशियरी ने बोला कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों का बैलेंस हमारे एक बेड रॉक की तरह काम करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पर पी का इंप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है पर वो इंप्लीमेंटेशन फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के थ्रू नहीं आना चाहिए यानी कि बोला गया कि फंडामेंटल राइट आर सुपीरियर देन पी बट एट द सेम टाइम डीपीएसपी आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव यह है कि किसी एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाना है पर डीपीएसपी के इंप्लीमेंटेशन में अगर फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फंडामेंटल राइट right फंडामेंटल राइट सुपीरियर है मतलब, पार्लियामेंट ने क्यों अमेंडमेंट पास किया कि डी पी एस पी अगर इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो भी रहे हैं, तो डीपीएसपी को प्रेसिडेंस दी जाएगी क्योंकि देखिए अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो यह एक आपका नेगेटिव ऑब्लीगेशन है स्टेट्स पर ठीक है ये आपका एक कोई भी ना कोई भी कानून अगर आ रहा है कोई भी बिल अगर प्रेजेंट हो रहा है तो वो बिल किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो है वो वॉलेट नहीं करना चाहिए अगर वो वॉयलेट हो रहा है तो उस उस कानून को उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है आपकी जुडिशरी इस वजह से जो आपका फंडामेंटल राइट है वो एक आपका नेगेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पर इस वजह से उस वक्त ये जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट आया था ये इसलिए आया था ताकि एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाया जाए क्योंकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसबल है और वो एक आपका पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होते हैं स्टेट्स पे इस वजह से ये अमेंडमेंट पास किया गया था कि अगर डीपीएसपी इंप्लीमेंट हो रहे हैं और इसके चलते कोई फंडामेंटल राइट किसी के वॉलेट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में डीपीएसपी को प्रिवेल किया जाएगा सुपर सुपर सुपीरियर माना जाएगा पर अमेंडमेंट चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और 1980 में मिल्स केस का जजमेंट आया और इसमें साफ किया गया जजमेंट जजमेंट इस इस ज़ज्मेंट में साफ कहा गया कि दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट right, दोनों का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है पर इसका इंप्लीमेंटेशन डीपीएसपी का अगर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो उसके में फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन नहीं होना चाहिए अगर वो वॉलेट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल और इन अदर टर्म्स फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डी क्लियर हो गया ये अमेंडमेंट क्यों आया था इसका बैकग्राउंड क्या था किस वजह से ये सारी चीजें हुई थी ये मैं बहुत ये क्वेश्चन एक बता के आगे जा सकता था आपको 40 सेकेंड में आपके दिमाग में शायद नहीं आता पर मेरा यही सीरीज का एजेंडा है कि आपको स्टोरी जहां पे मुझे लग रहा है देखिए अभी जितने कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है किस वजह से अमेंडमेंट आया किस वजह से कहा गया कि डीपीएसपी को प्रिवेल किया जाएगा फिर वो किस जजमेंट में चैलेंज हुआ तो ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी तो अब ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट इज एज डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बाई आर्टिकल फिफ्टीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी कभी क्या होता है स्टेटमेंट पूछ लेगा और कभी कभी क्या होता है आर्टिकल दे देता है डीपीएसपी से कोई आर्टिकल दे देता है और ये पूछ लेता है कि आर्टिकल जो है वो कौन से डीपीएसपी को एक्सप्लेन करता है तो अगर आर्टिकल फिफ्टी वन की बात करें तो यह आपका प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में बताता है मेंटेन जस्ट एंड ऑनबल रिलेशन बिटवीन नेशन इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाई आर्बिट्रेशन आप ये तीनों स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे अगर ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों ही आपका इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सेटलमेंट या इंटरनेशनल पीस या इंटरनेशनल सिक्योरिटीज उससे रिलेटेड है इस वजह से यह तीनों स्टेटमेंट सही है तीनों स्टेटमेंट सही है क्लियर हो गया आर्टिकल फिफ्टी वन ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल फिफ्टी वन आपका इंटरनेशनल पीस इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट नेशंस इन सारी चीजों के बारे में बताता है तो इस वजह से आर्टिकल फिफ्टी वन में अगर आप ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये तीनों स्टेटमेंट एक तरह से कोरिलेट है, इस वजह से तीनों आंसर सही है आप सपोज करिए आपको आर्टिकल 51 नहीं भी पता होता बाई चांस तो आप इन स्टेटमेंट को पढ़ के प्रमोट इंटरनेशनल पीस पहले में भी इंटरनेशनल पीस की बात आ रही है मेंटेन जस्ट एन नॉर्मल रिलेशन बिटवीन नेशंस ठीक है बिटवीन स्टेट्स तो नहीं बोला नेशंस मतलब एक दो दो देशों के बीच में तो इंटरनेशनल बात आ गई इन सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट यानी कि अगर आपको आर्टिकल 51 वन इन इनकेस नहीं भी पता था तो आप इन तीनों ऑप्शन को पढ़ के ये आप समझ सकते थे यार कि ये जो तीन स्टेटमेंट्स दिए कही कहीं ना कहीं अलाइंड हो रहे हैं तीनों स्टेटमेंट में ही आपका इंटरनेशनल पीस इंटरनेशनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन इनके बात करा इंटरनेशनल डिस्प्यूट इन्हीं सारी की बात कर है तो वैसी बात है ये तीनों स्टेटमेंट क्या ये तीनों स्टेटमेंट आपके अलाइंड है एक दूसरे से तो वैसी बात है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही होंगे तो ये भी देखिए आप आपका presence of mind. Suppose करें आपने आर्टिकल 51 नहीं पता नहीं पढ़ा आपको नहीं पता है तो आप इस तरह ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस वजह से मैं बोलता हूं कि जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो जितना आप कूल cool रहोगे जितना आप कंपोज रहोगे उतना अच्छे से आप अपने दिमाग को अप्लाई कर सकते हो और जितना आप अच्छे से अपने दिमाग को अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो आप सही कर ही रहे हो जहां जहां आपको लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा उसके बाद भी आप ऑप्शन के थ्रू कुछ एलिमिनेट करके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और हमेशा याद रखिएगा मैं एग्जाम्पल देता हूँ एम का महेंद्र सिंह धोनी का वो विकेट के पीछे खड़े होकर सारी प्लानिंग स्ट्रेटजी करते रहते थे कि अगर ये बॉल पे सिक्स लग रहा है या फोर लग रहा है तो हम नेक्स्ट ओवर किससे कराएंगे अगर बैटिंग करें तो उनकी कैलकुलेशन चलती रहती थी वो कैलकुलेशन क्यों चलती थी क्योंकि प्रेशर के टाइम में भी वो अपने दिमाग को कूल रखते थे और सारी कैलकुलेशन करते रहते थे तो इस वजह से एग्जाम का प्रेशर रहता है पर जितना ज़्यादा आप कूल रहोगे जितना ज़्यादा आप कंपोज होकर एग्जाम्स को एग्जाम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे चांसेस ज्यादा है कि आप इजिली क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर आसान सा क्वेश्चन आपका डीपीएसपी का पार्ट है इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंशर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी ये भी इसका भी सीधा सीधा आंसर है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसमें भी कोई खास लॉजिक है नहीं आसान सा क्वेश्चन है कर सकते हैं आप कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ये भी आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव ही यही था कि, कि किसी भी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है तो इसके लिए डीपीएसपी इंडेक्ट किया गया था अब ये इस तरह के स्टेटमेंट बहुत आ जाते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इज अ चेक पेड ऑन कन्वीनियंस ये किसने कहा था यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा किया गया था अब ये बड़ा डायरेक्ट स्टेटमेंट है ये बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट है या तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं या तो नहीं आते हैं इस वजह से मैंने ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी रखे हुए हैं तो अगर इसका आंसर है इसका आंसर आपका के टी सेठ क्योंकि ये अगर इनकी बात करें हम के टी सेठ की बात करें तो ये आपके क्रिटिक थे ये आपके क्रिटिकल थे डी के क्योंकि इनको लगा कि डीपीएसपी जो है इसका क्या मतलब है क्योंकि डी में जो भी सब्जेक्ट डाले गए उसका कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि कितने टाइम में स्टेट को इंप्लीमेंट करना चाहिए वो एक ऐसे ही दे दिया है कि जब स्टेट का मन करेगा वो इंप्लीमेंट करेंगे तो इस वजह से के सेठ ने बोला था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो कि बैंक अपने हिसाब से इशू करेगा क्योंकि डीपीएसपी में जो प्रिंसिपल या जो सब्जेक्ट्स ऐड किए गए थे उसकी कोई डेट नहीं दी गई थी कोई ऐसा इशू नहीं था कि इतने साल में डीपीएसपी इसको इंप्लीमेंट करना है यह बोला गया था कि जब स्टेट को लगेगा तब वो इंप्लीमेंट करेगा तो इस वजह से के टी सेठ ने यह स्टेटमेंट दिया था कि कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है अगर स्टेट जो है वो डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें भी नहीं दी गई तो इस वजह से ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपने सुविधा अनुसार यूज करेगा यानी कि स्टेट को जब लगेगा तो इंप्लीमेंट करेगा अगर नहीं करेगा अगर नहीं लगेगा तो इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो इस वजह से के टी सेठ साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था यह डायरेक्ट क्वेश्चन है इसको ध्यान में रखिएगा और क्यों कहा था मैंने आपको भी बता दिया द डायरेटिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये आपके नॉन जस्टिसबल है नॉन जस्टिसेबल मतलब क्या होता है जैसे फंडामेंटल राइट्स है अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वॉयलेट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो वो जस्टिसेबल हो गया सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार आपके फंडामेंटल राइट जस्टिस नहीं कर रही है या इंप्लीमेंट नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट इंप्लीमेंट करेगी पर डी में ऐसा नहीं है आप अप्रोच नहीं कर सकते हो कि डी में सारी चीज़ें दी गई हैं तो अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इस चीज़ को इंप्लीमेंट करिए तो ये चीज आपका डीपीएसपीज में नहीं है इस वजह से ये आपका नॉन जस्टिसेबल है आसान सा क्वेश्चन है पर कभी कभी एग्जाम में पैनिकनेस में ये इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं इस वजह से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम के टाइम पे कुल cool, कंपोज ताकि इस तरह के इजी क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल भी ना मिस करें द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी क्या परपज था एक तो बताया मैंने आपको कि किसी भी स्टेट को वेलफेयर स्टेट की तरफ बनाना है किसी भी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना है किसी भी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाना ये एक ऑब्जेक्टिव था साथ ही साथ आपकी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी अचीव करना था इस वजह से डीपीएसपी जो है वो इंप्लीमेंट किए गए थे क्योंकि फंडामेंटल राइट से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपकी अचीव हो रही है फंडामेंटल राइट right से आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अप्रोच इंप्लीमेंट हो रही है रीच हो रही है पर स्टेट अगर कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट है अगर कोई स्टेट वेलफेयर स्टेट है यानी कि अगर वेलफेयर स्टेट है तो यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है यहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ठीक है यहां पे एक अनईक्वल सोसाइटी नहीं है तो ये क्या हो रहा है ये आपका सोशल 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 जस्टिस और सोशल डेमोक्रेसी और आपका इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दोनों अचीव हो रहा है तो डीपीएसपी आपका सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए ये ऑब्जेक्टिव था और वहीं अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दैट इज टू अचीव योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसको ध्यान रखिएगा कभी कभी स्टेट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है क्लियर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच ऑन दी फॉलो आर्टिकल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आपको बता चुका हूं आर्टिकल फिफ्टी वन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन पहले देखे थे कोई खास इसमें क्वेश्चन नहीं लॉजिक नहीं आसान सा क्वेश्चन है कंसीडर कंसिडर फॉलोइंग प्रोविजन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आपको बताना है कि इसमें कौन से गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं तो मैंने आपको बता चुका है कि सबसे पहले तो ये है आपका विलेज पंचायत क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रूरल इकॉमी रूरल इकॉनमी या जो आपके गाँव में वो कैसे होंगे आपके जब तक वहां पे विलेज पंचायत नहीं आ जाएंगे फिर आपका कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन रूरल एरियाज में सेल्फ सफिशियंट कैसे होंगे सेल्फ सफिशियंट कैसे होंगे जब तक वहां पर काम मिलेगा और काम कैसे मिलेगा कॉटेज इंडस्ट्रीज की जब जितनी प्रमोशन होगी उतना ज्यादा इंप्लायमेंट जो आपका गांव में बढ़ेगा तो आपका विलेज पंचायत विलेज पंचायत की अगर बात करें तो इंडिया में जो विलेज पंचायती राज सिस्टम को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग मिली थी वो कहीं कही ना कहीं गांधीयन प्रिंसिपल से ही इंस्पायर्ड थी तो आ, आपका विलेज पंचायत हो गया और साथ ही साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया ता, इन दोनों का ऑब्जेक्टिव यही था इन दोनों का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो रूलर है या जो रूरल में जो गांव है भारत के वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए वो आपके सेल्फ सफिशिएंट हो जाए क्योंकि अगर हम बात करें आज भी आज भी मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो आपकी गांव में बसी हुई है और अगर हम उन्नीस या उन्नीस सौ की बात करें तो उस वक्त तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो पॉपुलेशन थी मेजोरिटी ऑफ जो चंक पॉपुलेशन थी वहाँ की वो, वो गाँव में ही रहती थी तो इस वजह से गाँव को सेल्फ सफिशियंट बनाने के लिए जो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे वो आपके कहते हैं कि विलेज पंचायत होना चाहिए अगर विलेज पंचायत होगी तो ऑब्वियसली बात है अटोनॉमी होगी डिसीजन लिए जा सकते हैं गाँव के गाँव में गाँव के लोग ही डिसीजन ले सकते हैं और साथ ही साथ गाँव में एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगी वो आएगी जब कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है उसका जितना प्रमोशन होगा उसके चलते जो आपका गाँव में इकॉनमी बढ़ेगी अकाउंटेबिलिटी भी होगी तो सेल्फ सफिशियंट बनता चला जाएगा जब चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड मैं आपको बता चुका हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज तरह डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसका है आपका ड्यूटी टू चेरिस एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर फ्रीडम मूवमेंट आसान सा क्वेश्चन है मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं ये क्वेश्चन मैं इसलिए इंडेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी ये आप कम से कम दो से तीन बार पढ़ के जाएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं इसको मिस नहीं करना है क्लियर हो गया तो इसमें से कौन सा कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है अभी हम डीपीएसपी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि जीवन में थोड़ा सा बदलाव जरूरी है अगर सेम सेम हर चीज आप करते रहेंगे तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है इसलिए थोड़ा सा चेंज थोड़ा सा प्रिवेट करते करिए तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कहता है ड्यूटी टू चेरिस एंड फॉलो दी नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अर फ्रीडम मूवमेंट तो ये आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका ग्यारह है ठीक है जब जब आपका इंप्लीमेंट हुआ था यानी कि जब ये एड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में तब दस फंडामेंटल ड्यूटी थी बाद में आपका एक अमेंडमेंट हुआ अब आपको एक और टास्क दे रहा हूं कि वो कौन सा अमेंडमेंट है आपको बताना है वो कौन सा अमेंडमेंट है जिससे इलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी एड की गई इलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी एड की गई वो कौन सा अमेंडमेंट है वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है ये आपको कमेंट में पिन डाउन करना है तो दो टास्क में अब तक दे चुका हूं दोनों का मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट में जरूर से जरूर से करेंगे क्लियर हो गया तो पहले स्टार्टिंग की बात करो दस थे पर बाद में एक अमेंडमेंट हुआ उस अमेंडमेंट को आपको बताना है उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटीज एड गई तो टोटल मिला के टेन प्लस वन इक्वल इंटू इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज बाय अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है और अमेंडमेंट एक्ट के बीच में तो इसका सीधा साधा आंसर है आपका फोर्टी अमेंडमेंट एक्ट क्लियर हो गया इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यह आपका लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज का आज के वीडियो का ये आज की वीडियोस में हमने कई सारे टॉपिक्स कई सारे फैक्ट्स कई सारी चीजें समझी और जो मैंने टास्क दिया है उसे जरूर से जरूर करिएगा और एंड करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको यूपीएससी या स्टेट पीएससी दोनों की अगर आपको तैयारी करनी है क्योंकि देखिए प्रिलिम्स आ चुका है आपको मेन्टोर मिलते हैं जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहते हैं क्योंकि ऐसा इस प्रिपरेशन में ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि आप, आपको लो फील होने लगता है तो और वो चीजें आप शेयर नहीं कर सकते तो आपके पास अगर मेंटोर होगा ना तो आपको गाइड करेगा सही राह बताएगा और ये जो समय है क्योंकि ये जो प्रिपरेशन का समय है, कभी कभी लंबा हो जाता है पॉजिटिव होगा आपको रिजल्ट मिलेगा पर ये लंबा सफर हो जाता है और इस लंबे सफर में कभी ना कभी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है सेल्फ डाउट आते हैं तो उन सारे सेल्फ डाउट्स को एजुकेटर्स टीचर्स वहीं साथी साथ ही साथ मेंटोरशिप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर आपको यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीएससी एस आप तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की एनरोल कर सकते हैं पर अगर आप मेरा कोड लगा देंगे आर एस एल आर एस लाइव यानी कि आर एस आर एस एल आई वीई तो आपका जो कोर्स है वो आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा एंड दैट इज इन ट्वेंटी वन थाउजेंड नाइन इसमें आपका यूपीएससी और स्टेट पी दोनों है इट्स अ कॉम्बो ये सिर्फ यूपीएससी नहीं सिर्फ स्टेट पी नहीं दोनों का कॉम्बो है और बहुत अच्छी डील है अगर आपको करना है तो जरूर से मेरा कोड लगा दीजिएगा आपके बेनिफिट के लिए ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाह रहा था उम्मीद करता हूं आपको आज की सारी वीडियो की चीजें समझ में आऊंगी कमेंट जरूर से करेगा जो टास्क दिए मैंने क्योंकि आज के इधर कुछ वीडियोज में आप कमेंट्स नहीं कर रहे हो तो कमेंट जरूर से करिएगा मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिएगा मेहनत खूब करते रहेगा जय हिंद जय भारत